देखिए, अलग अलग सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। आपके पास एसी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसके अंदर अलग अलग है ना सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट अलग अलग चलता। तो यहाँ पर अगर मैं एलआर सर्किट की बात करूँ, एलआर सर्किट की बात करूँ तो उसमें टाइम कांस्टेंट जो होता है वो एल बाई आर होता है, और वहीं मैं अगर आरसी सर्किट की बात करूँ तो उसमें टाइम कांस्टेंट आरसी ही होता है, और वहीं मैं एलसी सर्किट की बात करूँ तो एलसी सर्किट के अंदर स्क्वायर रूट एलसी ये टाइम कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना तीनों सर्किट का, ठीक है। तो ये एलआर हो गया, ये आरसी हो गया और ये एलसी हो गया, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो ये तीनों ही टाइम कांस्टेंट हैं, चाहे वो एल अपॉन आर हो, ये आरसी हो या स्क्वायर रूट एलसी हो, ये तीनों ही टाइम कांस्टेंट, इट मींस टाइम के डायमेंशन फॉर्मूले इनसे निकाले जा सकते हैं। इन सब के जो यूनिट है या फिर डायमेंशन है वो टाइम का यूनिट है और डायमेंशन है। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो देखो ये तो है, ये भी है, ये भी है, अकेला ये नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा फिलहाल वो डी हो जाएगा, 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसमें बच्चा अच्छे से कंफ्यूज हो सकता है अगर उसे टाइम कांस्टेंट की वैल्यूज़ या फिर फॉर्मूले नहीं पता हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।